आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आगरा में हर्ष समारोह में हुई हिंसक झड़प, बड़ी खबर सामने आ रही है कि समुदाय के दो लोगों में हुई झड़प। शादी के दौरान दो पक्षों में चले ईंट पत्थर, बड़ी खबर सामने आ रही है, झड़प में कई लोग हुए घायल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पथराव का वीडियो, बड़ी खबर सामने आ रही है, थाना एतमादुल्ला के नगला रामपल का मामला। आगरा में हर्ष समारोह में हुई हिंसक झड़प, एक ही समुदाय के दो लोगों में हुई झड़प। शादी के दौरान दो पक्षों में चले ईंट पत्थर, बड़ी खबर सामने आ रही है, झड़प में कई लोग हुए घायल। चंदौली में पुलिस गश्त की खुली पोल, बड़ी खबर सामने आ रही है, रात में चोरों ने दो दुकानों के तोड़े ताले। नकदी सहित सामान पर हाथ किया साफ, बड़ी खबर सामने आ रही है, बर्तन की दुकान से 28,000 नकदी गायब। पूर्व में चोरी पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई, शहाबगंज कस्बे का मामला बताया जा रहा। फतेहपुर में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, बारिश से लोग घरों में रहने के लिए मजबूर। कड़ाके की ठंड, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ठंड और बारिश से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लगातार बारिश से फसलों को भारी नुकसान, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मौसम विभाग नहीं कर पा रहा सटीक भविष्यवाणी। फतेहपुर में 24 घंटे से लगातार बारिश जारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, बारिश से लोग घरों में रहने के लिए मजबूर। कड़ाके की ठंड, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ठंड और बारिश से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लगातार बारिश से फसलों को भारी नुकसान, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बारिश फसलों के लिए संकट बनी है। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को किया जब्त, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया सीएचसी, गंभीर हालत देखते हुए कानपुर किया रेफर। कानपुर में इलाज के दौरान दोनों की मौत, बड़ी खबर सामने आ रही है, हदगाम के पुरवा गांव के पास की घटना। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जोरदार टक्कर हो गई है तेज रफ्तार कार और बाइक की, बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को किया जब्त, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया सीएचसी, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलाज के दौरान गंभीर हालत देखते हुए कानपुर किया रेफर। कानपुर में इलाज के दौरान दोनों की मौत। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं। अमरदीप, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि फतेहपुर जनपद पे इस समय जो है तेज रफ्तार के वाहनों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल भी नहीं थम पा रही है, और इसी का एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला है, जहां पर तेज रफ्तार जो है कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें उनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा भी गया था, पर गंभीर हालत देखते हुए उनको कानपुर रेफर किया गया, और कानपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो चुकी है, जिससे कि मौत की सूचना मिलते ही पूरे परिजनों में जो है एक कोहराम समझ गया है। तो जरूर कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है कि जिसमें कि प्रशासन को या शासन को कोई ऐसे निर्देश जारी करने चाहिए कि रोड में कोई ऐसे लगाने चाहिए स्टिकर, जिससे कि रफ्तार में रफ्तार का जो है कहर थम सके। जी जी अमरदीप, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बाइक और कार की टक्कर हुई है उसमें गलती किसकी थी, क्योंकि पुलिस ने कार तो जब्त कर ली है, लेकिन गलती भी होनी पता चलनी चाहिए कि कार की गलती थी या फिर बाइक सवार की गलती थी। देखिए ऐसा है मैम कि इसमें ये होता ये है कि एक जब तेज रफ्तार की जब दोनों वाहन चलते हैं, आमने सामने जब चलते हैं, तो उनमें किसी को भी साइड देने का जो है एक ही प्राविधान ऐसा नहीं है, दोनों ही
चाहे कार सवार हो या बाइक सवार हो, एक ईगो टकराता है और ईगो टकराने के साथ साथ ऐसी घटनाएं एक आम बात हो गई है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनदीप जुड़े हुए थे फतेहपुर से। लखीमपुर खीरी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, बड़ी खबर सामने आ रही है, मोबाइल को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत, चार लोग घायल। लाठी डंडों और धारदार हथियार से किया हमला, बड़ी खबर सामने आ रही है। मोबाइल को लेकर बताया जा रहा विवाद, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में महिला की हुई मौत, बड़ी खबर सामने आ रही है, मोबाइल के विवाद में हुई मौत, दो घायल। पुलिस ने घायलों को निघासन सीएचसी भेजा, निघासन कोतवाली क्षेत्र की घटना। लखीमपुर खीरी में महिला की हुई मौत, बड़ी खबर सामने आ रही है, मोबाइल के विवाद में हुई मौत, दो लोग घायल। पुलिस ने घायलों को निघासन सीएचसी भेजा, निघासन कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही घटना। लखीमपुर खीरी में महिला की हुई मौत, बड़ी खबर सामने आ रही, मोबाइल के विवाद में हुई मौत, दो घायल। फतेहपुर में धान क्रय केंद्रों की लापरवाही आई सामने, बड़ी खबर सामने आ रही है, समुचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों का धान भीगा। हजारों क्विंटल किसानों का धान बारिश में भीगा। फतेहपुर में धान क्रय केंद्रों की लापरवाही आई सामने, तस्वीरें देख सकते हैं आप, समुचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों का धान भीगा। हजारों क्विंटल किसानों का धान बारिश में भीगा, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है। फतेहपुर में धान क्रय केंद्रों की लापरवाही आई सामने, उचित व्यवस्था नहीं है जिसके कारण धान खराब होने के लिए पड़ा हुआ है, खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल किसानों का धान बारिश में भीगा। फतेहपुर में धान क्रय केंद्रों की लापरवाही आई सामने, समुचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों का धान भीगा। हजारों क्विंटल किसानों का धान बारिश में भीगा। फतेहपुर में धान क्रय केंद्रों की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां समुचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों का धान बारिश में भीग रहा है, हजारों क्विंटल किसानों का धान बारिश में भीगा। फतेहपुर में धान क्रय केंद्रों की लापरवाही आई सामने, बड़ी खबर है, जहां समुचित व्यवस्था नहीं है, किसानों को बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, हजारों क्विंटल किसानों का धान बारिश में भीगा। फतेहपुर में धान क्रय केंद्रों की लापरवाही सामने आ रही है, तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से बारिश में भीगने के लिए पड़ा हुआ है हजारों क्विंटल धान, हजारों क्विंटल किसानों का धान बारिश में भीग रहा है, समुचित व्यवस्था नहीं है, बड़ी लापरवाही धान क्रय केंद्रों की सामने आई है। फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, समुचित व्यवस्था नहीं होने से किसानों का धान हो रहा खराब, हजारों क्विंटल किसानों का धान बारिश में भीगने को पड़ा। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप जुड़ चुके हैं। अमरदीप, क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसानों का ये धान बर्बाद ना हो, कितनी बड़ी लापरवाही है ये? देखिए, अगर हम लापरवाही की बात करें तो ये विकास, फतेहपुर जनपद के विकासखंड बिठौरा हुसैनगंज क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ पर धान क्रय केंद्र में इस तरीके की लापरवाही सामने देखने को मिली है। कायदे से तो किसानों के धान की खरीद होने के बाद इसको ढकने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, पर अगर चित्रों के माध्यम से देखें तो अधिकतर जो है किसानों को हजारों क्विंटल धान जो है पानी पे भीग गया है। और इसकी अगर लापरवाही की बात की जाए तो इसमें पूरी तरीके से धान क्रय केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। जी जी, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है जो ये धान खराब हो रहा है भीग के, इसका आगे क्या किया जाएगा इन धान का? देखिए, अब ये ऐसा है कि इस धान जो खराब हुआ है उसको ये क्या करते हैं, और रही बात जिम्मेदारी की, तो जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से प्रशासन को इस पे जो है एक सख्त निर्णय लेना चाहिए, और भविष्य में कोई अगर ऐसी गलती की कोई पुनरावृत्ति ना हो तो उसकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जी, जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी जुड़े थे।
फतेहपुर में लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील, बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने किया जागरूक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया जागरूक, बड़ी खबर सामने आ रही है। हदगाम ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज चिवलाहा का मामला, फतेहपुर में लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने की है अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया जागरूक, बड़ी खबर सामने आ रही है। हदगाम ब्लॉक के जनता इंटर कॉलेज चिवलाहा का मामला। लखनऊ में भाजपा जिला महामंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बड़ी खबर सामने आ रही है। राजकुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोसाईगंज कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा, बड़ी खबर सामने आ रही है। टिकट दिलाने के नाम पर पैसा हड़पने का आरोप। मोहनलालगंज सीट की टिकट दिलाने के नाम पर लिए पैसे, पार्टी फंड के नाम से हड़पे थे 15 लाख रुपए। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ में भाजपा जिला महामंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज, राजकुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बड़ी खबर सामने आ रही है। गोसाईगंज कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, टिकट दिलाने के नाम पर जो ये पैसे लिए गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी, आपको बता दें कि ये मामला बताया जा रहा है जो ये गोसाईगंज कोतवाली में उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। राजकुमार वर्मा जो कि भाजपा के जिला मंत्री हैं और उनके जो मोहनलालगंज सीट को एक प्रत्याशी को दिलाने के नाम पर उन्होंने 15 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए हरीश प्रकाश नाम से एक प्रत्याशी ने गोसाईगंज थाने में तहरीर दी और उसके तहरीर के आधार पे उनके उनको ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है। पार्टी फंड के नाम पर ये 15 लाख रुपए हड़प रहे थे, आदेश के ऐसा आपके हरी प्रकाश रावत का कहना है। कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा। वहीं आपको गोसाईगंज की पुलिस है उनके ऊपर दबाव बनाने के साथ दबाव बनाएगा, जिसके बाद मुकदमा ये पंजीकृत किया है। साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जिला महामंत्री का इसमें अब उनका पक्ष सुनने के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। लखनऊ में गर्जे दिनेश शर्मा, बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला किया। विपक्षी पार्टियां केवल दिखावा और छलावा करती है, दिनेश शर्मा ने कहा। मंदिर के नाम पर अपना भला करती हैं पार्टियां। लखनऊ में गर्जे दिनेश शर्मा, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, विपक्षी पार्टियों पर जमकर बोला हमला। विपक्षी पार्टियां केवल दिखावा और छलावा करती है, बड़ी खबर सामने आ रही है। दिनेश शर्मा का बयान आया सामने, मंदिर के नाम पर अपना भला करती है पार्टियां। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।